नमस्कार। यूं तो आयुर्वेद की हर औषधि अच्छी है, लेकिन अगर वो औषधि किसी खास कॉम्बिनेशन में ली जाए, यानी कुछ औषधियां अकेली अकेली ले तो अच्छी हैं, लेकिन अगर उनको मिला दें वो और भी अच्छी हो जाती हैं। कॉम्बिनेशन उनका बहुत अच्छा होता है, और खासकर अगर वो कॉम्बिनेशन हमारे आयुर्वेद की और हमारे ऋषियों की पसंद हो तो फिर तो कहना ही क्या है। ऐसा एक कॉम्बिनेशन मैं आज आपको बताऊंगा, 3 जड़ी बूटियों का, जिसके सेवन से आप किसी भी तरह के कफ रोग से निजात पा सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको वो मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कॉम्बिनेशन जो है 3 चीज़ों का है, जिसमें हम घर में ही मिलने वाली 3 चीज़ें लेते हैं, और वो हैं, एक पहली है काली मिर्च, काली मिर्च, और दूसरी चीज़ है बड़ी पिपली, जिसको पीपल भी बोल देते हैं, इसको आप लेंगे बराबर बराबर दोनों को, और तीसरे नंबर पर है सौंठ, ड्राई जिंजर। तीनों को जब हम इक्वल प्रपोर्शन में लेते हैं तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक इसमें हम इसको हम त्रिकटु बोल देते हैं, त्रिकटु यानी 3 प्रकार की होठ नेचर की जड़ी बूटियां, जो कि कफ, साइनस, एलर्जी, छींके, आप कभी कभी सर्दी में बाहर से आए आपका नाक बहने लग गया, अब क्या करें? अब आप थोड़ा सा ये मिक्सचर जो है पाउडर करके रख लें, आधा चम्मच ही लें चाहे, लेकिन उसको आप थोड़ा इतने पानी में उबाल के थोड़ा सा हल्का कम होने पर वो छान के चाय की तरह पी लें। चाहे तो थोड़ी सी हनी मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं उसके गुनगुने रहने पर, और इसको आप सिप सिप करके जब आप पीते हैं, खाना खाने के पहले, बाद, कभी भी आप ले सकते हैं। तो ये रनिंग नोज, छींके आना, ठंड लगने में जो दिक्कतें आ जाती हैं उसमें ये गर्माइश दे देता है शरीर को, एकदम बचा लेता है। कभी कभी सर्दी में भारी खाना रात को खा लिया और ठंड लग गई और आपको लगने लगा कि अब मेरा पचा ही नहीं खाना, अब मुझे लगता है कि पचेगा नहीं, उल्टी आ सकती है, या कई बार भारीपन लग गया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा खाना, यहीं रुक गया, उस वक्त आप यही चाय बना करके अगर पीते हैं, त्रिकटु की चाय, बहुत ही कारगर है, बहुत ही निरापद है। मैं नहीं कहता इसकी आदत डालो, लेकिन फिर भी कभी कभी आप लेंगे तो इससे आपका कफ, म्यूकस ठीक हो जाएगा, और किसी किसी की आंतों में जब वो मल साफ, पेट साफ करने के लिए जाता है तो चिकनापन आता है, उसके लिए भी कभी कभी लेना बहुत अच्छा है। इसको त्रिकटु भी बोल देते हैं, और इसको हम त्रय उष्ण भी बोल देते हैं, यानी 3 उष्ण, 3 उष्ण चीजें, गर्म चीजें। आप सर्दी में इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, एक शौकिया तौर पे, एक चाय की तरह, जिनको भी कफ, साइनस, एलर्जी, राइनाइटिस, ये बहुत समस्याएं हैं, रनिंग नोज वगैरह की, कफ से रिलेटेड सबके लिए। तो ये था त्रिकटु। आप सबको जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे बताइएगा, और कौन कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे, मैं आपकी पसंद, जो सब लोगों की ज़्यादा ज़्यादा कॉमेंट जिस चीज़ पे होंगे मैं उस पर पहले वीडियो बनाऊंगा। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।